तो मित्रों, खुदा न खास्ता इस साल आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब जीएस में पूरी बाजी मार लो और सी सेट आप क्वालिफाई ना हो पाया। तो स्पेशली सी सेट उन लोगों के लिए नाइटमेयर लेकर के आता है जो कि मेरी तरह मैथ्स में बिल्कुल पूरे वीक है। तो उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया गया है कि पैसेज का हम डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रूटनी करते रहते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से पैसेज को अटेम्प्ट किया जाए, बेसिकली उसमें एक्यूरेसी को बढ़ाया कैसे जाए। और इस पे ऑलरेडी 5 से 6 छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज मैंने डाले हुए हैं। 2022 का सारे जितने भी 27 पैसेज थे वो सारे हमने एनालाइज किए हुए हैं। आई होप वो लेक्चर्स आपके लिए थोड़ी वैल्यू के होंगे। जो नए लर्नर है उन्हें बता दें कि मैंने खुद 2 प्री दिए हुए हैं, दोनों में मेरा जीएस क्वालिफाई हुआ है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सेट नहीं हो पाया था। तो मुझे मालूम है कि सी सेट अगर ना हो, वो भी पॉइंट पॉइंट से, मेरा 0.17 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो उसकी एक बड़ा अलग लेवल का मतलब थोड़ा एक पेन रहता है। तो हो सकता है आपको जो है पैसेज में आप कैसे अराउंड 90% एक्यूरेसी आप ला सकते हैं, हो सकता है वो आप यहाँ पे अचीव कर सकें। राइट, अभी कोई भी आंसर की यूपीएससी की 2022 की अभी जारी नहीं हुई है। जब जारी होगी एक बार जाकर के कंपेयर जरूर करना उन सारे आंसर्स को जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आंसर की आप मार्केट में जो अवेलेबल है अलग अलग इंस्टीट्यूटों की, उसके पीछे मत भागना। वहाँ अलग गर्दा मचा के रखा हुआ है उन लोगों ने, कुछ भी बताए जा रहे हैं वो। राइट, किसी का आंसर कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, बट आई कैन टेल यू गाइस कि जितने भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, अराउंड 90% जो है उसमें आपका सही की ओर जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, जब आप मैच करोगे फाइनल आंसर की से। अगेन, दिस इज इंटरप्रिटेशन बेस्ड थिंग्स, तो इसमें कोई ठोस दावा नहीं किया जा सकता है। राइट, सो आपके लिए, और कई लोग जो है मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि भैया आप ना सिर्फ पैसेज के बदौलत नहीं निकाल सकते, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं निकाल सकते। तो जिनका मैथ्स वीक है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसका मैं आपको मतलब आज एक एग्जांपल दूंगा। वो ऐसी प्रैक्टिस कि मैथ्स में ना हमेशा अगर वो आपको 30 क्वेश्चन दे रहा है, 30 से 40 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कॉमन सेंस के हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस के, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ दूसरा नहीं। वो 15 क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उन 15 में से कम 10 आपके नेट करेक्ट होने चाहिए, है ना। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको रीजनिंग के आ रहे हैं, उनमें से 12 से 13 आप अटेम्प्ट कर ही रहे हैं और पैसेज आप अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। यहाँ आप 15 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करे जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि अराउंड जो है आप 54-55 के आसपास क्वेश्चन अच्छे से मार्क कर पाएंगे। लेकिन वो इजी क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं, और वो इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, मुझे नहीं आते हैं, मेरा नहीं है, मैंने वो कवर ही नहीं कर रखा हुआ है, छोड़ के रखा हुआ है मेरे। राइट, जो आपके नंबर सिस्टम है मैंने वो अच्छे से पढ़ रखा है, HCF, LCM, एवरेज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने अच्छे से पढ़ के रखे हुए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो बस मैं सीधा मार्क कर दूंगा। एवरेज मुझे दिख गया, 80th क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ABC, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल के बाहर जब आप आएंगे तो आपको सी सेट कुछ अलग दिखेगा, अंदर जब आप बैठे होंगे तो कुछ अलग दिखेगा। तो हमने उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैंने कोई आंसर की यहाँ पे नहीं देखी हुई है, ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी 1 साल बाद, एग्जाम हॉल के अंदर की थी, अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आप सबके सामने। और वो कैसे की जा सकती है, 1-2 मिनट में आंसर तक कैसे पहुंचे कॉमन सेंस से। देखो, ABC का ये वेट बता रहा है 40 kg, BD ई का वेट बता रहा है 42 kg, और एफ का वेट इज इक्वल टू बी ये बता रहा है। राइट, एफ का वेट इज इक्वल टू बी ये बता रहा है। अब देखो, एवरेज का तो आपको पता है, मान लो आप बोलो राम, या फिर मान लो अगर बोले कि एवरेज प्राइस इन 3 पेन्स का कितना है, 10 रुपया, इट मींस तीनों पेनों का जो टोटल प्राइस होगा वो कितना होगा, 30 रुपया, तभी तो एवरेज आई 30/3, तब जाकर के आपका 10 आया, समझ गए। तो एवरेज जो आपका नंबर है उसे तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका तीनों का एग्रीगेट आ जाता है, तो A+B+3। देखो यहाँ सीधा क्वेश्चन से ही आंसर कैसे निकल रहा है, A+B+C यहाँ बताया हुआ है, कितना, 40 × 3 हो जाएगा 120। सो इन तीनों का वेट कितना है, A+B+C का 120, B+D+E का कितना है, 42, है ना। अब कई लोग यहाँ पे मतलब तोपची हो जाएंगे कि भैया बी 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 रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, ट्रैप है, ट्रैप ट्रैप। अभी ध्यान से सुनो, B+D+E कितना होगा, 126 kg, ये डन हो गया, क्योंकि 42 है, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, हाँ 126 kg डन, 126 ये, 120 ये। अब गुरु, है ना, आपने, आपको बताया गया है ये बी की रेपिटेशन की प्रॉब्लम यूपीएससी ने खुद सॉल्व करके दी हुई है, वो चाहता है कि आप एकदम से इसका आंसर निकालें। उसने खुद बताया है कि एफ इज इक्वल टू बी, और इक्वेशन क्या है, B+D+E। अब देखो
एफ के बारे में इन दोनों इक्वेशंस में कुछ नहीं बताया गया, एफ का वेट क्या है कुछ नहीं बताया हुआ है, सिर्फ ये बताया कि एफ इज इक्वल टू बी। और आप वैसे भी चाहते थे कि यहाँ से बी को किसी तरीके से हटाओ, क्योंकि बी तो रिपीट हो रहा है, यहाँ बी रिपीट हो रहा है, बी को हटाना आप चाहते थे। अगर उसने ये पूछा होता कि बी का वेट क्या है, तो आता कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डेटा इज इनएडिक्वेट। डेफिनेटली बी का वेट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इस डेटा से, इस डेटा से आप बी का वेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा इज इनएडिक्वेट। ये आपको नहीं बता रहा है कि बी या ए या सी का वेट आप कितना निकाल सकते हो, नहीं बता रहा है। समझ गए ना बात को? अगर ऐसे दिया होता कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी का एवरेज 40 kg है और ए और बी का एवरेज 80 kg है, राइट, या फिर ए और बी का एवरेज 35 kg है, तो आप सी का निकाल सकते हो वेट। लेकिन यहाँ पे ए मिसिंग है, इसलिए अगर पूछा होता कि बी का वेट क्या है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता, बट यहाँ बोला हुआ है कि एफ इज इक्वल टू बी, तो बी आप पहले ही रिप्लेस कर लेना चाहते थे, यहाँ इक्वेशन में डाल दो बस एफ, समझ गए, एफ डाल दो बी की जगह, अब सब सॉल्व हो गया। इट मीन्स ये बी प्लस डी प्लस ई जो 42 kg आ रहा था, एफ प्लस डी प्लस ई भी इतना ही आएगा ना, 126 kg, समझ गए, एफ प्लस डी प्लस ई भी 126 kg ही आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 120। आपसे पूछा क्या है, ए बी सी डी ई एफ का वेट, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस डी प्लस ई का वेट, राइट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस F का वेट। A प्लस बी प्लस सी कितना है, 120, है ना, F प्लस डी प्लस ई कितना है, 126, दोनों को जोड़ दो, 120 और 126 हो गया आपका दो दो चार 246, और 246 बटे 6 कर दो अब इसको, अब है ना, क्योंकि टोटल कितनी आपके पास एंटिटीज, 6, एवरेज निकालनी है आपने, तो बटे 6 कर दो, 6 चौके 24, 6 कम 6 41 kg इज योर आंसर, समझ गए। सो दिस इज वेरी इजी। और देखो ये व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स, यस, और ये कॉमन सेंस का अगेन क्वेश्चन है, मैंने एक बार देखा और सीधा मैंने ये, राइट, जब भी वो आपसे पूछे कि मान लो है ना 100 तक के ऐसे नंबर वो आपसे पूछ ले, जब भी वो बोले कि 100 तक के नंबर्स को बिना रिपीटेशन के ऐसे कितने कितने बना सकते हैं, भले ही आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना आए तो भी उन्हें अटेम्प्ट करना, क्योंकि 100 तक के नंबर्स, इवन नंबर्स को काउंट करना भी आपके लिए ईजी है। और यहाँ तो क्वेश्चन बोला हुआ है कि वट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, तो ऐसे कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हो। बेसिकली अगर आप ये 0 पॉइंट भी हटा दो ना, अगली बार अगर वो ऐसे ही बोले कि x और y, xy करके ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जहां x और y डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट क्या है, मतलब इसमें जीरो नहीं आना चाहिए और दोनों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, सिंपल बात है, राइट, एक ही बात हुई है, 0 पॉइंट तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया हुआ है, राइट, एक्स और वाई आपने यहाँ ढूंढना है कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। अब देखो इसने पहले बोला कि जीरो वालों को अलग कर दो, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए दोनों, जीरो वालों को अलग कर दो, इट मीन्स यहाँ पे आपका जीरो जीरो नहीं हो सकता, 0 1 नहीं हो सकता, 0 2 नहीं हो सकता, ऐसे करके करके आपका 0 9 तक नहीं हो सकता। और 0 0 से लेके 0 9 तक कितने हुए आपके, 10 नंबर्स हो गए, इन्हें अलग कर दो, इट मीन्स 10 नंबर्स तो गए, वो यहाँ आ ही नहीं सकते, 10 नंबर्स आप फॉर्म कर ही नहीं सकते। अब इन्होंने बोला ये डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, राइट, हाँ, अभी जीरो को हमने पूरा साइड नहीं किया हुआ है, अभी हमने 0 9 तक ही किया हुआ है, इसके बाद जीरो कहाँ आती है, 10 में आती है, इट मीन 0.10 भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है, 0.20 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 30 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 40 भी, 50 भी, 90 तक एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये 10 से लेकर 90 तक अगर आप काउंट करोगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, राइट, 10 20 30 40 50, हाँ 90, तो ये कितने बन गए आपके, ये कितने बन गए आपके, ये भी आपके, राइट, ये 10 बन गए, राइट, सो ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 8 और 1 9, हाँ 10 नहीं, ये 9 बन गया आपके, राइट, 10 से लेके 90 तक ऐसे 9 डिजिट्स है ना, 9 9 नंबर्स, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्हें भी अलग कर दो, कितने हो गए अपने, 19 हो गए, 19 हो गए। अब इन्होंने बोला है कि सारे डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट माने देखो 0 1 और 0 0 को आपने पहले ही अलग कर रखा है, इट मीन्स ये डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों रिपीट नहीं होने चाहिए, 1 1 नहीं आना चाहिए, 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 3 नहीं आना चाहिए, ऐसे करके करके 9 9 नहीं आना चाहिए। तो जितने ये नंबर थे उतने ही ये भी होंगे, 11 22, गिनो ऐसे, 11 22 33 44 55 66, राइट, 66 के बाद 77 88 99, कितने बने ये भी, 8 9, उंगलियों पे गिनो, राइट, ये भी 9 बन गए,
नौ बन गए, नौ नौ 18, 18 10 28, बस 100 नंबर्स में से 28 नंबर्स, राइट, क्योंकि आपने 0 और 100 के बीच, है ना, 100 नंबर्स होते हैं ना, 0 से लेकर के 99 काउंट करो, 100 आएंगे ना पूरे, बस इनके बीच आपने, राइट, कितने एलिमिनेट करने हैं, कितने इससे निकालने हैं, 28, बचा कितना, 72, 72 नंबर ऐसे फॉर्म किए जा सकते हैं, समझ गए ना बात को। ये बिल्कुल ईजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, राइट। जैसे ये एक क्वेश्चन था, राइट, ये एक क्वेश्चन था, द सम ऑफ थ्री कंजेक्यूटिव इंटीजर्स, ये मैंने, आई थिंक मैंने ये गलत मार्क कर दिया था वहां पे, राइट। लेकिन एक बात है कि आपको ये तो पता है, यहाँ पूछा हुआ है थ्री कंजेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पूछा हुआ है आपसे, इंटीजर क्या हो सकते हैं, -1, राइट, आपका 1 ये भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है इंटीजर, तो इंटीजर पूछा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना है, पॉजिटिव नंबर ही नहीं जाना है, जब वो इंटीजर बोले तो समझ लेना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बातें कर रहा है। ये पूछ रहा है कि द सम ऑफ थ्री कंजेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, बस ऐसे कुछ ढूंढने। अब देखो मैंने पता कितने ढूंढे थे उस टाइम, ऐसे हो सकता है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 6, और 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो ऐसा नंबर वन पहला पेयर तो हमें मिल गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रोसेसिंग होती रहती है, पहला पेयर मिल गया, यस, एक पेयर मिल गया। अब इन्होंने इंटीजर बोला था, राइट, इंटीजर में तो माइनस में भी हो सकता है, सो अगर वो बोले -1, है ना, -1, -2 एंड -3, समझ गए ना, मतलब बीच में अगर प्लस भी लगाओ तो इनका क्या होगा, इनका माइनस ही बन जाएगा। मान लो आपने बीच में प्लस लगा दिया, इधर ब्रैकेट में रख दिया, टोटल कितना नेट नेट आउटपुट कितना आएगा, माइनस में ही काउंट होंगे ना ये सारे, -1 -2 -3 कितने हुए, -6। अब इनको मल्टीप्लाई करो, राइट, अगर माइनस माइनस होता है तो वो प्लस आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, बट माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, अब इस प्लस को माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस ही आएगा ना, तो 3 बार, राइट, ऑड नंबर्स के टर्म्स में अगर आपके माइनस आ रहा है तो कितना आएगा, लास्ट में माइनस ही आएगा, सो -1 -2 इंटू -3 -1 इंटू -2 इंटू -3 कितना होगा, -6 हो जाएगा। सो ये दूसरा पेयर हो गया अपना, जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर देयर सम, राइट। सो दो ऐसे नंबर हो गए, तो आपको पता है डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ओनली वन भी हो ही नहीं सकता, राइट, तो आई थिंक मैंने ओनली 2 लगा दिया था, एंड अगेन मैं ऐसा, राइट, थ्री कंजेकेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, राइट, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट सम, यस, देन देयर इज अनदर, राइट, -1, राइट, +0 +1। अब देखो इनका जो आपका सम है, सम कितना हो गया, 0 ही हुआ ना, -1 +0 +1 कितना हुआ, -1 +0 0, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्ट कितना हुआ, सोचो कितना हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा ना, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों का, सो ये तीसरा इंटीजर हो गया, 0 भी तो इंटीजर है, आंसर शुड बी 3 ओनली, बट मैं आई थिंक इस डायमेंशन में, जितना मुझे याद आ रहा है, इस डायमेंशन में नहीं सोच पाया उस टाइम, बट आपने दिमाग खुला रहना है, इसीलिए अगर मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो भी है ना गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग खुला रखना है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं सारे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कॉमन सेंस के, 5 से 6 क्वेश्चन, पिछली बार तो कम से कम 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पूछ लिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है। जैसे ये अगला क्वेश्चन, एक ही पेज के इतने क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको कॉमन सेंस से करने के लिए, ये पढ़ना ही नहीं है आपने, आपको एपी जीपी वगैरह, राइट, उतनी चीजें पढ़नी नहीं है, नंबर सिस्टम अच्छे से कर लो, राइट, एंड ये आपको देन बोल रहा है, राइट, एक मिनट मुझे ये क्लीन कर लेने दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 15 × 14 × 13 × 12 × 11 ×, है ना, ये डैश 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 इसलिए लगाया है, 3 × 2 × 1, राइट, ये अगर 3 की पावर m × n के बराबर होगा तो बताओ वेयर m एंड n आर, यार रुक जा यार, सॉरी यार गाइस, ये होता रहता है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे यार व्हाट इज दिस, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, आप भी सोचते होंगे कि ये क्या चलता रहता है कई बारी, राइट, सो वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, ये बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्या हो सकता है, देखो, हाँ, अगेन अगेन अगेन, यहाँ बोल रहा है 3 m इंटू n,
नहीं, यहाँ एक पूरा आपको नंबर दिया हुआ है, बेसिकली उसको डिवाइड करके आपको दिया हुआ है कि 15 × 14 × 13 × 12। अब देखो, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर इस पूरे से डिविजिबल होगा। बात तो सही है, ये 3m से भी डिविजिबल होगा, m से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो इसका प्रोडक्ट है। समझ गए ना, ये इसका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इट मीन्स 3 की पावर m से भी और m से भी ये डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ 2 × 3 = 6, इट मीन्स कि 2 से भी 6 डिविजिबल है, 3 से भी 6 डिविजिबल है। ये तो समझ गए ना, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। अब इन्होंने पूछा है कि m की वैल्यू, इस पावर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। बस सिंपल है निकालना। देखो, इनको 3 3 की टर्म्स में तोड़ो। जैसे 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, राइट। अब ऐसे ही इन सबको जो जो टूट सकते हैं, वो 3 3 की टर्म्स में तोड़ो। 15 को कैसे तोड़ा, 5 × 3। फिर आया आपका 14, 3 से मल्टीप्लाइड नहीं है, ऐसे ही लिख दो, कोई जरूरत नहीं है तोड़ने की, राइट। फिर आया आपका 13, इसे भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से नहीं टूट सकता, कोई जरूरत नहीं है। फिर आया 12, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 × 3। फिर आया आपका 11, 11 को कैसे लिखेंगे, 11 के ऐसे ही, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट, 3 से 11, राइट। क्योंकि हमें 3 की पावर निकालनी है ना गुरु, 3 की पावर निकालनी है, इसलिए हम ये तोड़ रहे हैं, 11 लिख दिया अपन, राइट। देन आपका आता है 10, 10 को भी आप नहीं तोड़ सकते, ऐसे ही लिख दो। फिर आता है 9, 9 को कैसे लिखोगे, 3 × 3, राइट। 8 को छोड़ दो, 8 को वैसे ही लिखो, राइट। 7 को वैसे ही लिखो। फिर आता है आपका 6, 6 को कैसे लिखेंगे, 3 × क्या, राइट, 2। फिर आता है आपका 5, फिर आता है आपका 4, फिर आता है आपका 3, 2 और 1 को तो छोड़ ही दो। अब देखो, इनको यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, कितना आए इसमें, कितने आए, 3, उतनी इसकी पावर होगी, 1 है ना, 13 को छोड़ो, नहीं 13 का 3 नहीं, 2 3 4 5, राइट, 5, और ये आपका 6 है ना, ये नहीं इसका हिस्सा था, ये मैंने अलग दिया था, 2 × 3 का 6, 6। तो इसकी पावर कितनी होगी, 6। दिस इज योर आंसर। समझ गए, समझ गए ना, बस आपने ये तोड़ना है। ऐसा ही उन्होंने एक बार दे दिया इस ट्रेंड के, वो पूछते हैं, ऐसा ही उन्होंने दे दिया था कि 100, 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं को ऐसे मल्टीप्लाई करो और बताओ उसमें 0 कितना है। तो 0 आपका 2 और 5 के प्रोडक्ट से निकलेगा, बस तोड़ो इन्हें 2 और 5 में, आंसर आ जाएगा। समझ गए, दीज आर कॉमन सेंस के क्वेश्चन, और ऐसे आपने ये अटेम्प्ट करने। आई होप ये जो सेशन है गुरु, मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम इन्वेस्टिंग इन इन डूइंग दीज सेशन, मतलब ये सारी चीजें ना, मैं अगर अपने लिए प्रैक्टिस करनी होती तो मैं, राइट, ये 10 मिनट में कर सकता था, यहाँ 20 से 25 मिनट लग रहे हैं। सो आई होप ये जो है ना, एक बार जरूर राय जरूर देना, क्योंकि मैं मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे खुद मैथ्स नहीं आता है, लेकिन ये वो कॉमन सेंस की चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बताने के। अगर आपको ये सारी चीजें मतलब मैथ्स के अगर ये पोर्शन समझ आ रहे हैं, राइट, कुछ खांचे में घुस पा रहा है, या फिर मुझ में है ना आपको लगता है कि ये कंटिन्यू करने की क्षमता है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। योर कमेंट्स आर ऑलवेज एनकरेजिंग मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।